दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के घर दिवाली कैसे मनाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर की दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा था। परिवार की इकलौती बेटी कृति द्वार पर रंगोली बनाई रही थी। उसके रंग बिरंगे रंगों से अपने ही परिवार की रंगोली बनाई थी। सुंदर दियों से घर में रोशनी हो रही थी। लक्ष्मी पूजा का समय हो रहा था। कृति की माँ सुषमा जी लक्ष्मी पूजन की तैयारियां में ही लगी थी। पिता रामानंद फूलों की माला और प्रसाद का काम संभाल रहे थे। परिवार में कहने को तीन लोग थे, पर तीनों ही बड़े उत्साह से काम कर रहे थे। दिवाली कृति का सबसे पसंदीदा त्योहार है। इस त्योहार की वो बहुत तैयारी करती हैं और हंसी खुशी से त्योहार मनाती हैं। लक्ष्मी पूजन करके आपस में मिलना और घर की बनी मिठाइयाँ खाना, ये सब कृति को बड़ा पसंद आता था। माँ पिताजी, मैं हमेशा आपके साथ दिवाली मनाऊंगी, कृति खुश होकर बोली। कृति, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने घर की दिवाली मनाएगी, तब मैं और तेरे पिताजी नहीं आएंगे। सुषमा जी हंसकर बोली, क्यों ना आओगे, हम हमेशा साथ में दिवाली मनाएंगे। कृति दृढ़ता पूर्वक बोली, तू किसी और के घर की लक्ष्मी हो जाएगी, तेरा परिवार भी अलग हो जाएगा। तो सब समझ कर भी नादान सी क्यों बनती हैं। सुषमा जी ने समझा कर बोला, कृति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने सिलाई का कोर्स कर रखा था। वो अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती थी। सुषमा जी और रामानंद उसके लिए उसी शहर में योग्य वर तलाश कर रहे थे। काफी दिनों बाद कृति का रिश्ता पक्का हो गया। विशाल के परिवार में उसकी दीदी की शादी हो चुकी थी और पिताजी का देहांत हो गया था। विशाल की अच्छी नौकरी थी और वो चाहता था कि कृति अपना बुटीक भी खोले। विशाल के परिवार वाले खुले विचारों के थे। सुषमा जी और रामानंद जी ऐसा दामाद पाकर निहाल हो गए। कृति शादी के बाद ससुराल चली आई, पर उसे अपनी माँ और पिताजी की चिंता लगी रहती थी। रामानंद जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिए थे। कृति और विशाल उनकी हर तरह से देखभाल करते, पर रक्त में संक्रमण फैलने की वजह से वो बस ना सके और दुनिया छोड़कर चले गए। कृति ने माँ को बहुत बोला कि वो उसके घर चल कर रहे, पर सुषमा जी हर बार मना कर
देती थी, क्योंकि बेटी के घर जाकर रहना उन्हें कम अच्छा लगता था और समाज का डर भी था। कृति सुषमा जी को संभालती रहती थी। पिताजी का अपना घर था, माँ को पेंशन भी मिल रही थी। बस दुख इसी बात का था कि माँ को अकेला ही रहना पड़ता था। इस बार भी दिवाली आ रही थी, पर कृति के मन में उत्साह नहीं था। ससुराल में सिर्फ उसका शरीर था, आत्मा को मायके में थी। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि माँ अकेली दिवाली कैसे मनाएगी। उसने माँ को घर पर आने को भी बोला था, पर सुषमा जी ने डांट लगा दी, तुम आज कल की पीढ़ी रीति रिवाजों को नहीं समझती हो। समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं, भला बेटी के घर कोई दिवाली मनाता है। माँ ने उसे चुप करा दिया अपनी हंसती मुस्कुराती बहू के चेहरे पर। मिताली जी ने परेशानी देखी तो उन्होंने कृति से पूछा, पर कृति चुप रही। अपनी सास को मत बोल देना कि मैं अपनी माँ को दिवाली पर बुलाना चाहती हूँ, नहीं तो वो मुझे ही दोष देगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिए। ये सोच कर कृति कुछ नहीं बोली। ससुराल में पहली दिवाली और घर की लक्ष्मी का सहरा उतरा है। ऐसे उदास सहरे से लक्ष्मी पूजन करोगी? विशाल ने कृति से सवाल किया, पर कृति फिर चुप रही और चुप साफ रंगोली बनाती रही। रंगोली में रंग भर रही थी, तभी देखा सामने माँ खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, साथ में उसकी सास मिताली भी थी जो सुषमा जी का हाथ पकड़े हुए थी। माँ को देखते ही कृति का चेहरा खिल गया, वो माँ के गले लग गई। आप आ गई मेरे साथ दिवाली मनाने, आप वहाँ त्योहार के दिन अकेली थी, मेरा तो मन नहीं लग रहा था। कृति ये कहकर फिर से गले लग गई। मिताली अपनी बहू का खिला सहरा देखकर खुश हो रही थी। कृति तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से आने को तैयार हुई, कह रही थी कि बेटों के घर दिवाली कैसे मनाऊंगी। मैंने विनती की, आप चलिए मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली के दिन उदास नहीं रहनी चाहिए। मुझे अपनी लक्ष्मी सजी संवरी खिली खिली सी चाहिए। समाज रिश्तेदार और दुनिया तो दो दिन बातें बनाएंगे और चुप हो जाएंगे, हमें तो हमारे घर की खुशियां देखनी है। जिस बात से मेरी बहू को खुशी मिलती है, मैं उसके लिए समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ भी जाने को तैयार हूँ। मैंने समझाया कि कृति ही आपकी इकलौती संतान है,
आप अपनी संतान के साथ उसकी खुशी के लिए दिवाली मनाएगी। वो संतान बेटी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सुषमा जी भाव विभोर हो गए। कृति तूने क्या पुण्य किए जो ऐसी समझदार सास मिली, जो बेटी के दिल की तरह अपनी बहू के दिल का दर्द भी समझती है। कृति भी लिपट कर अपनी सास के गले लग गई। दिवाली के दिन सब ने मिल जुल दिवाली मनाई और सुषमा जी ने और मिताली जी अपने हाथों से मिठाई पकवान बनाई। आज कृति का मन भी अपने पापा को याद कर गए। सजल था पर माँ के साथ दिवाली मनाकर जगमगा रहा था।